नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। और आज की खबर प्रॉपर्टीज को लेकर के है। अगर आप भी प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं, यानी कि खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं या अपनी कोई जगह रेंट पर देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पहुंचा हूँ रंजीत नगर में, 8/31 साउथ पटेल नगर। मिस्टर जतिंदर ढींगरा हमारे साथ हैं, जो कि प्रॉपर्टीज की दुनिया का, पूरी दिल्ली का एक जाना माना नाम है, जो दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर भी प्रॉपर्टीज को सेल परचेज करते हैं। ढींगरा प्रॉपर्टीज के नाम से इनकी जो है फर्म है, और आज इनसे हम जुड़े हैं और किस तरह का इनका ये काम है, क्या करते हैं, लोगों के लिए क्या सोचते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आपका नाम बहुत सुना है प्रॉपर्टीज की दुनिया में, पटेल नगर का आप जाना माना नाम है यहाँ, और दिल्ली दिल्ली से बाहर भी आप काम कर रहे हैं एनसीआर में। तो सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, और हमारे दर्शकों को बताइए कि आप प्रॉपर्टीज की लाइन में या कहें कि इस क्षेत्र में कैसे आए, किस तरह से आपका आगमन हुआ, वो सबसे पहले बताएं। मैं अपना प्रॉपर्टी का काम सन 2007 से कर रहा हूँ जी, लगभग मुझे 16 साल इस काम को हो गए, और इसी नाम से किया था शुरू, और इसी नाम से ही है, ढींगरा प्रॉपर्टी के नाम से। ढींगरा मेरे सर नाम से, सरनेम से चल रहा है, ईश्वर की असीम कृपा है। छोटे से स्टार्ट किया था, अब ठीक है, भगवान की पूरी कृपा है, सही कर रहेगा। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि जो प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज आप पे हैं, कहाँ कहाँ तक अवेलेबल हैं? हमारे पास मोस्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ओके। और हमारे यहाँ स्टार्ट 15 लाख से स्टार्ट है, जैसे मैक्सिमम की तो कोई कीमत ही कोई नहीं है। छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से भी कर सकता है, छोटे इन्वेस्टमेंट से। सपोज उसने रहना है, रहने के लिए है, सपोज उसने एज ए एक्स्ट्रा इनकम, जैसे किराए की इनकम बनानी, तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी चॉइस है। एक बार आकर के हमसे वो मिले तो हम उसकी प्रॉब्लम को जो भी है वो देखना चाह रहा है, जो उसकी चॉइस है, जो वो चाहता है, वो हमारे पास सारी चॉइस अवेलेबल है। एक नहीं, दो नहीं, दो तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, काफ़ी संख्या में, काफ़ी मल्टीपल में हमारे पास प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी है। हमारे पास अपने पास भी होती है, और जो हमारे जो टीम के, जो मेरे साथ इसमें मेंबर जुड़े हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसमें टीम वर्क के हैं, उनके पास भी होती हैं, और हमारे जो मेरे इसी लाइन में जुड़े हैं उनके पास भी। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो भी हमारे पास आता है कस्टमर नहीं होता, मेरा एज लाइक भाई होता, हमारा अपना ही फ्रेंड बन जाता है, जो हमारे पास आया तो अपना ही होगा, परिवार का, तो हाँ परिवार का हिस्सा ही। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उसको उसकी जो उपलब्धता है, जो वो चाहता है, हम उसका पूरा करें। मतलब ये कि अगर एक बार आप ढींगरा प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो आप वापस नहीं जाएंगे, आप निराश नहीं होंगे, बचपन से आए हैं, जो लेने आए हैं आपको वही उसी चीज उसको हम दे करके भेजेंगे जी, कोशिश, और जो उसके बजट के अकॉर्डिंग। हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि मिनिमम 15 लाख के 15 से स्टार्ट है हमारे पास। हाँ हाँ हाँ, और अच्छी इनकम बनाना चाहता है भाई, जैसे उसको 15 का स्टार्टिंग करें हमसे वो। हाँ। बाकी जैसे जैसे उसका बजट है, 1 CR 2 CR जो भी उसका बजट है, हमारे पास सभी अवेलेबिलिटी है। पीजी और पीजी, हाँ, अगर वो पीजी के लिए ढूंढ रहा है, जैसे जैसे किसी का बजट ज़्यादा है, वो पीजी के लिए हमारा पीजी की फैसिलिटीज बहुत है, हम उसको पीजी हमारे पास रेडी भी हैं, बने हुए जो तैयार हैं, और हमारे पास पीजी अंडर कंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल हैं। वो अपना बजट बता दे, वो बजट के अकॉर्डिंग हम उसको पीजी दे देंगे। हमारे पास 3-4-5 ऑप्शन इस टाइम रेडी पड़ी है, बिल्कुल वो आए और हमसे। तो जो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत काम की वीडियो हो सकती है, क्योंकि पीजी में हर कोई चाहता है कि अच्छी फैसिलिटीज के साथ, अच्छे रीजनेबल, फुल फर्निश हमारे पास रेंटेड रेंटिंग में भी पड़े हुए, फुल फर्निश जो हमारे पास अवेलेबल फ्लैट है, पीजी है, जो रेंटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब प्रॉपर्टी की A to Z ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, पूरी दिल्ली में कहीं भी लेना चाहिए? मोस्टली वैसे हम पटेल नगर करते हैं, रंजीत नगर करते हैं, वेस्ट पटेल नगर करते हैं, राजेंद्र नगर करते हैं, आसपास के। ये तो आपका लोकल? हाँ, मोस्टली में, बाकी कोई आएगा तो वहाँ भी देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, कोई थैंक यू। तो कॉफी आ चुकी है, आप भी शेयर कीजिए सर। तो सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके पास लोग आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनपे बजट उतना नहीं होता है लेकिन वो लोन पे लेना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो लोन पर लेना चाहते हैं, क्या आपके पास उस तरह की सुविधा भी कस्टमर्स के लिए है? बिल्कुल जी बिल्कुल। असल में आदमी के पास जो जितने पैसे होते हैं उसको चीज को पसंद कम पसंद आती है, हमेशा उसको ज्यादा की चीज पसंद आती है, मोस्टली। बिल्कुल, की इच्छा यही रही है,
हमारी, तो उसमें जैसे उसने प्रॉपर्टी तो बंदा हाँ रोज रोज तो खरीदता नहीं है, तो लाइफ में कभी 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 मौका मिलता है आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है और अच्छी खरीदने की कोशिश करता है कि जो उसको मिले अच्छी प्रॉपर्टी मिले और सारी जिंदगी उसको चलाए। दादा खरीदे पोता पोता भरते प्रॉपर्टी का, तो ये मतलब है दादा खरीदे पोता भरते, यही इच्छाएं रही हैं और यही इच्छाएं अब रहती है। तो सपोज उसका बजट कम है तो हम लोन लोन का भी हम फैसिलिटीज हम साथ साथ करवा के देते हैं, लोन हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात, काफी लोन हमने करवाए हैं। अच्छा, हमारे पास हम खुद कई कई बैंकों के एजेंट हैं, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट भी है, नहीं तो हम लोन फैसिलिटीज करा के देते हैं। लोन की लिमिटेशन क्या होती है? लोन की लिमिटेशन प्रॉपर्टी वैल्यू तक का 80%, हाँ 80% हम दिलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास उसमें प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है, तो जो अवेलेबल जो उसके जो उसके बाकी तो उसके पेपर होंगे, पेपर के आधार पे हम लोन हो जाएगा, लोन की कोई दिक्कत, अगर लोन के आधार आदमी को रुका हुआ है हमारे पास आने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लोन फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है जी, कोई किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं है कस्टमर पर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप पे बजट कम है तो कुछ पैसे दे करके सर आपके जो लोन भी करवा देंगे और आप आराम से अपनी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने घर को आसान तरीके से ले सकते हैं। सर एक चीज और बताइए हमारे दर्शकों को, आजकल कोलैबोरेशन का बड़ा सिस्टम चल रहा है ना, कि वो भी वो पूरा आप बना देंगे कुछ फ्लोर्स आपके कुछ उनके, तो वो क्या चीज है वो जरा बताएं। वो भी हमारी काफी साइड हमने की है कोलैबोरेशन में, वो हम अब भी करते हैं, जैसे किसी के पास जगह है तो अपनी जो जगह को बनवाना चाहता है तो हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठ जाएंगी, हम उसकी बिल्डिंग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आजकल मतलब क्या हिसाब चल रहा है? पहले तो मैंने सोचा था कि एक देखो नहीं ऐसे नहीं, इसमें ऐसा नहीं, ये तो हम लोकेशन को देख के करेंगे। अच्छा अच्छा, ये लोकेशन जैसी होगी वो अंदर की बातें होती है, साइट देखने के बाद ही साइट देख के पता चलेगा कि उसके ऊपर बैठ के बात होंगे, जो उनके लिए बेस्ट होगा और जो हमारे लिए बेस्ट होगा हम वो चीज करेंगे, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो दोनों के लिए रेडी अच्छा रहेगा हम वो करेंगे, जो मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा, हम तो बेस्ट टू बेस्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया ना, हम बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, निराश किसी को नहीं करेंगे, बिल्कुल निराश किसी को नहीं करेंगे, हम बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी कस्टमर दोबारा आएगा। और आए हैं कस्टमर जो जो आए हैं, चार चार पांच पांच छह छह बंदे हमारे साथ दोबारा वो लेकर गए। आदमी एक बात बताओ, एक आदमी हमारी शॉप पे आया है जी, जी। जब वो दोबारा आ रहा है, तिबारा आ रहा है, चौबारा आ रहा है, तो कुछ तो हमारी उसकी फैसिलिटीज उसको अच्छी लग रही है, कुछ तो सुविधाएं उसको हमारी अच्छी लग रही है ना, तो आ भी रहा है और दूसरों को भी लेकर के आ रहा है, तो इससे हमें भी अच्छी सेल्फ कॉन्फिडेंट मिलता है कि ये कॉन्फिडेंट मिलता है कि हमारा शायद काम अच्छा हो और हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा टीम वर्क अच्छा है, मेरा टीम वर्क बहुत अच्छा है, आप एक बार मिलेंगे हमारी टीम से तो आपको भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल जो हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं आपको तो आप अच्छा ना, हाँ हाँ बस मिल रहा और मैंने हाँ और आपको मैंने भी तीन चार आपने मुझे बाहर भेजे थे, तो क्या आप उनसे पूछो क्या वो खुश नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, शायद उन्होंने आपको भेजा होगा, कोई शिकायत नहीं मिली। और मैं साथ साथ एक बात और बता दूं कि प्रॉपर्टीज की दुनिया में तो इनका नाम है ही, और ये सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, अपना योगदान वहां देते हैं। अभी आप रिसेंट मानेंगे, आज 30 जून है, ठीक है, जी जी, ये हमारे 13 प्रॉपर्टी वाले हैं राजकुमार जी, ठीक है, और हमने उनके साथ मिलकर के भागवत कराई थी पीछे चार बार, अब हम फिर भागवत करवा रहे हैं, हम क्या आपको आप सभी करा रहे हैं जी, हम जी, हम तो एक सेवक हैं जी आपके जी, जी। तो ये राधा कृष्ण मंदिर में ही हो रही है, 18 जुलाई से शुरू हो रही है और 24 जुलाई को उसका समापन है, मैं भी हूँ, वो भी हैं, और भी हमारे साथ 8-10 बंदों की टीम है, बिल्कुल दीपक ज्वेलर्स हो गया, जगमोहन भारद्वाज जी हो गए, सौरभ हो गया, और भी हैं काफी इसमें जो कि हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो दर्शक अगर आप यहाँ आने चाहें इस भागवत कथा, हाँ 18 जुलाई से 24 जुलाई तक, 18 जुलाई से स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है, और 24 जुलाई को उसका समापन है साउथ पटेल नगर। और मैं तो आपको सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस भागवत का हिस्सा बने, आप आए और उस भागवत को सुने देखें और अपने जीवन को करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तो हाँ सभी के हाँ जी, चार बार हमने भागवत कराई है जी, शास्त्री जी हैं जिन्होंने हमारी भागवत पिछली बार की पहले की थी, इस बार भी वही कर रहे हैं, ओके, जेपी शास्त्री जी हैं बल्लभगढ़ बहुत अच्छी भागवत करते हैं, बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी रिसेंटली आपके पास कोई रेडी फ्लैट्स हो, यदि वो मौके पर आए लेना चाहे तो? हमारे पास वही कम बजट के भी हैं, ज़्यादा बजट के भी हैं, फ्लैट बिल्कुल रेडी हैं, जो कि डे फर्स्ट से
वो रह भी सकते हैं उसमें, और अपना अगर रेंटिंग पे देना चाहे रेंटिंग पे भी दे सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आए तुरंत कुछ कुछ रेडी हैं, रेडी टू मूव डे ऑफ फर्स्ट से। कुछ हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कि उनकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, जो कि 2-4-6 महीने में कम्प्लीट हो जाएगी, और कुछ 6 महीने बाद हमारे शुरू होने वाले भी हैं। तो जैसा लेना चाहें वैसा ले सकते हैं, रेडी टू मूव वाला भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाला भी है, और जो अभी स्टार्ट होने हैं वो भी वाला है। मतलब वो ये ना निराश करके किसी को नहीं भेजना, हमने सभी को कुछ ना कुछ दे करके देना है वाला। अच्छा, ये तो अभी तक खरीदने वाले लोगों की बातें हो गई, यदि वो बेचना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी धमकी, ये तो हाथ तो है ही, ताली तो ऐसे दोनों से बजेगी, वो खरीदेगी खरीदेगी, बिल्कुल बेचना चाहे वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल उनको अच्छे रेट पे हम उनको उनकी चीज बिकवाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी बहुत। उसके लिए भी बायर हमारा तैयार रहता है कि जैसे इंस्टेंट बेचना चाहता है तो इंस्टेंट भी उनका बिकवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेंगे भी और खरीदेंगे भी, बाय एंड सेल दोनों चीजें करेंगे। चलिए सर, आपके साथ आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, और जो प्रॉपर्टीज लेने या बेचने की सोच रहे हैं वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे। तो मैं सर का एक बार फिर से बता दूं कि मिस्टर जतेंद्र ढींगरा, ढींगरा प्रॉपर्टीज, 8/31 साउथ पटेल नगर, मेट्रो स्टेशन पटेल नगर के ठीक बिल्कुल पीछे, रंजीत नगर एरिया भी इसे कहते हैं, है ना? बिल्कुल रंजीत नगर। और यहाँ पे एक राधा कृष्ण का लैंडलाइन जो है आप टेंपल भी है, तो बड़ा मशहूर है, आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।